बताइए आपके जीवन में सबसे कीमती क्या है, बस इस प्रश्न का उत्तर दे दो, हम ये सब्जेक्ट खत्म करें। मैया, एक लड़की एक स्त्री के जीवन में उसका सबसे कीमती चीज क्या है आपके संपूर्ण जीवन में? बोलो, जवाब दो, जोर से बोलो ताकि सबको सुनाई पड़े। आपके जीवन में सबसे कीमती क्या है? लड़की और लड़का दोनों बताएंगे, हम पुरुष और स्त्रियां दोनों बताएंगे। बताइए, हम सभी के जीवन में सबसे कीमती क्या है? मेरी बहनें बोले, मेरी माएं बोले, क्या है? जोर से बोलो। मैया बोलती नहीं हो, बोल दो ना मेरी माँ। तुम बोलोगी, तुम्हारे बच्चे सुनेंगे। क्या जीवन में कीमती है? चरित्र, करैक्टर। हमारे जीवन में सबसे कीमती है हमारा चरित्र। यदि हम चरित्रवान हैं और घास की झोपड़ी में रहते हैं तो आप हमारे द्वार पर जरूर आएंगे। झोपड़ी है तो क्या हुआ, चरित्रवान तो हैं, और चरित्रहीन आदमी लंका में ही क्यों ना रहे, उसके पुतले ही जलाए जाएंगे, उसके द्वार पर कोई नहीं जाएगा। इसलिए चरित्र, राम चरित्र सुनवे को रसिया, और राम लखन सीता मन बसिया। इसलिए वैलेंटाइन डे ना मनाओ, उस दिन मातृ पितृ दिवस मनाओ। उस माँ का थैंक यू करो, उस माँ का धन्यवाद, उस पिता का धन्यवाद जिसने तुम्हें जन्म दिया है। मातृ पितृ दिवस मना के माँ बाप का सम्मान करो। वैलेंटाइन डे में किसी लड़के से गुलाब लेना, किसी लड़के को गुलाब देकर अपना चरित्र बिगाड़ना, ये तो आपकी समझदारी बिल्कुल नहीं है। फिर भी आप कर रहे हैं तो वो आपकी अपनी स्वतंत्रता है, कोई कुछ नहीं कह सकता। हमारा काम है समझाना, सही मार्ग बताना। जब हम कथा में ये सब्जेक्ट बोला करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग हमसे नाराज हो जाते हैं। अरे महाराज जी, प्यार करना कोई गलत है क्या? हाँ, हम प्यार करते हैं किसी लड़की से, क्या गलत है? गलत नहीं है, पर यदि माँ बाप की मर्जी से प्यार करो तो इसमें बिल्कुल गलत नहीं है। एक लड़की कि माँ मेरे पास आई, वर्षों पहले मैंने हर बार ये बात कथा में आपको समझाई है। एक लड़की की माँ मेरे पास आई, रोने लगी, बोले गुरुजी हम गांव के लोग हैं, गरीब आदमी हैं, शहर में आके हमारे पति ने रिक्शा चलाया, दिन रात काम करते हैं, मैं भी बर्तन धुलने जाती हूँ फलाने घर में, क्यों? क्योंकि मेरी एक बेटी है। हमारा सपना था कि गांव में रह के बच्ची को पढ़ा ना पाएंगे तो शहर आए, और शहर में दोनों पति पत्नी काम कर करके पैसे जोड़ जोड़ के हमने अपनी बेटी को पढ़ाने का सपना देखा, और हमने अच्छे से अच्छे कॉलेज में बेटी का नाम भी लिखवाया, एक साल उसने पढ़ाई भी की, पता नहीं दूसरे साल क्या हुआ, किसी लड़के से उसको प्यार हो गया। और महाराज जी, अभी 4 दिन पहले वो लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई, अब तो हम मुँह दिखाने के लायक नहीं बचे। अब गाँव जाते हैं तो गाँव में लोग कहेंगे बड़ी होशियार बनने चली थी, बेटी को पढ़ाने गई, भाग गई तेरी बेटी। अच्छा एक बात बताएं मेरी माँ, जब कोई किसी की बेटी, चलो किसी की भी बेटी जब भागती है ना, तो जिस बाप की बेटी होती है वो बाप अपनी बेटी को एक बार जरूर देखता है और सोचता है जैसे उसकी बेटी ने उस बाप को कलंकित कर दिया, कहीं हमारी बेटी भी तो हमारा नाम नहीं डुबा देगी। हर बाप के मन में ये आता है कि नहीं? सच्ची बात बताना, आता है कि नहीं? हाँ या ना? तो बेटियां, क्या ये बेटी का कर्तव्य नहीं है कि तुम अपने माँ बाप के विश्वास को टूटने ना दो? तुम्हारे माँ बाप की गलती क्या है? बाप की चप्पल घिस जाती है तुम्हें पढ़ाने लिखाने में, चप्पल घिस जाती है फटा। मैंने देखा कि एक बेटी ने बड़ा मोबाइल ले रखा है 20,000 का, और उसी का बाप 1,000 रुपये का मोबाइल चलाता है, तुम्हारा बाप सस्ता मोबाइल चलाता है, तुम्हारे लिए महंगा मोबाइल देता है कि मेरी बेटी पढ़ जाए, लिख जाए, नाम कमाए, गर्व से मैं कह सकूं कि ये बेटी मेरी है। लेकिन वही बेटियाँ जब अपने माँ बाप का दिल तोड़ देती हैं ना, तो सोचो कितना, तुम तो अपना घर बसा लेती हो प्यार करके, लव मैरिज करके, कोर्ट मैरिज करके, लेकिन माँ बाप जिस गली से गुजरते हैं ना, लोग कहते इसकी बेटी भाग गई, इसका बेटा भाग गया, उस माँ बाप का जीना दुश्वार हो जाता, समाज में मुंह दिखाना कठिन हो जाता है। हाँ या ना? इसलिए हर बेटी की जिम्मेदारी है कि आप अपने माँ बाप का सिर शर्म से ना झुकने दो। कुछ ऐसा कर जाओ मेरी बेटियों कि आपके माता पिता और हमारा देश गर्व कर सके, ये मेरे भारत की बेटी है, ये मेरी भारत की बेटी है। अभी देखो ना,
अभी ओलंपिक चल रहा है, उसमें जब बेटियां गोल्ड मेडल जीतती हैं, सिल्वर मेडल जीतती हैं, तो हमारी छाती भी चौड़ी हो जाती है, वाह ये भारत की बेटियां हैं। तब और जी करता है कि एक बेटी और होनी चाहिए। आज ना लोग बेटियां पैदा करने से डरते हैं, कई बाप तो बेटियों को पेट में ही मरवा डालते हैं, जिसे गर्भ हत्या कहते हैं, भ्रूण हत्या कहते हैं। क्यों मार देते हैं लोग अपनी बेटियों को पेट में? क्योंकि वो लोग डर जाते हैं कि कहीं बेटी बड़ी होकर कहीं हमारा भी नाम ना डुबा दे। इसलिए ये विश्वास बेटियों को दिलाना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को, कि पिताजी हम आपके नाम को, आपके इज्जत को कभी झुकने नहीं देंगे, हम आपका सिर गर्व से ऊपर उठाएंगे, हम आपका सिर कभी शर्म से झुकने नहीं देंगे। ये विश्वास बेटियां दिलाएं अपने मां बाप को, हां या ना, दिलाना है या नहीं? हर बेटी का कर्तव्य है। एक बेटी किसी लड़के के साथ भागती है ना, तो 100 जो गर्भ में बेटियां पल रही होती हैं ना, वो खतरे में आ जाती हैं। उनके मां बाप सोचने लगते हैं, गिरवा दें क्या बेटी को, पेट से गिरवा दें क्या? अरे हमारी भी बेटी हुई हो, देखो पड़ोसन की बेटी तो भाग गई, थू-थू हो गई सारे समाज में, क्या कह रहे हैं लोग, कहीं हमारी बेटी भी ऐसी कर लेगी तो? तो कई बेटियां जो पेट में अभी जन्म नहीं लिया, वो खतरे में आ जाती हैं तुम्हारी एक गलती के कारण। एक साधु गलत करता है तो सारा साधु समाज बदनाम होता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। एक साधु गलत करता है, सारा साधु समाज बदनाम हो जाता है। एक बेटी गलत करती है, बेटी जात बदनाम हो जाती है कि ये बेटियां हैं। अरे बेटियां तो वो हैं जो भारत के लिए स्वर्ण पदक दिलाती हैं, बेटियां तो वो हैं जो चांद तक, कल्पना चावला बेटी ही है, बेटी ही थी जो चांद तक चली गई। आज तक भारतवासी गर्व करते हैं, बेटी हो तो कल्पना चावला जैसी चांद तक पहुंच गई। और एक बेटी ये है जो रातों रात किसी लड़के के संग भाग जाती है। कितना अंतर है ना उस बेटी में और तुम बेटियों में। प्रार्थना करता हूं हर बेटी से, हमें बुरा कहना है कह दो, पर कहीं ऐसा काम ना कर लेना कि तुम्हारे माँ बाप को जमाने की दुत्कार सुननी पड़े, तुम्हारे माँ बाप को छिप छिप के जाना पड़े, माँ बाप को रोना पड़े, ऐसा कोई काम ना करना।